पिलामाने षष्ठ श्रेणी विज्ञान पाठ को तुमको स्वागत। ये आम चित्र देखुजे फूल विषय आम आज पढ़ा। अच्छा पिले कहल फूल को आम सब कौ काम लगाऊ? ठाकुर पूजा रे, खाद्य रूप रे, आउ घर गाड़ी सजेबा रे, आउ औषध रूप रे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत भल उत्तर दल। पिलामाने तमें सब फूल देखी थब नहीं कि? विभिन्न प्रकार फूल सब देखी थब, विभिन्न रंगर फूल देखी थब, तार आकार विभिन्न थब, विभिन्न ऋतु सब फूल फुटे। तुम जान खरा दिन फूल फुटे, ग्रीष्म ऋतु कि फूल फुटे, कि फूल वर्षा दिन फुटे, कि शीत दिन फुटे, कि फूल अच्छी वर्षा सारा मध्य फुटे। तुम फूलर विभिन्न अंश भी चिन्ह थ भावी, हाँ विभिन्न प्रकार अंश को ये चित्र देख कह। अच्छा पिला मैंने फुलर विभिन्न अंश सब कौन अच्छी कहल? पांचटी अंश अच्छी। प्रथम हूँ वृंत, द्वितीयटी वृत्ति, थर्डटा पाखुड़ा, आउ फोर्थ पुंग केसर, पंचम हूँ गर्भ केसर। हाँ बहुत भल कहल, ठीक भी कहल। अच्छा पिला मैंने देख ल जो फूल चित्र देखुच, ये कि फूल? मंदार फूल। मंदार फूल, अच्छा एथिरे तमे जहाँ कहल सबू चक्र आधे अच्छी कि? हाँ अच्छी, किंतु गोटे नहीं। हाँ अच्छी पुनी नहीं, कौन गोटे नहीं, कोटा नहीं? गर्भकेशर। गर्भकेशर अच्छी किंतु हमको देखा जाऊ ना, कहीं देखा जाऊ ना, ता भीतर अच्छी। हमें प्रथम देखिले वृंत रही, वृत्ति चक्र, पुंकेशर, पाखुड़ा। अच्छा कहल वृत्ति चक्र, पाखुड़ा चक्र कहीं कहते जान कि? कहीं ये गोल हो रही, घेरिकी रही। अच्छा पिले कहल ये चित्र कौन देखु? गर्भकेशर। हाँ फूलर गर्भकेशर, यहाँ भितर अच्छी ना बाहर अच्छी? भितर। अच्छा भितर अच्छी, आमको सेठी देखा ना, कारण पाखुड़ा घेरिकी रही, पाखुड़ा को छिंडे देले, हाँ वृत्ति गोटे पाखुड़ छिंडे एमती देखा। अच्छा पिला मैंने कहल तुम्हें जहाँ पढ़ीच ता मन अच्छी ना देखा, ये चित्र सब कराई एक दुई तीन चार पाँच लिखाई, एवं कहल एक कौन, दुई रे कौन, तीन रे कौन, चार कौन, पाँच रे कौन? एक वृंत, दुई वृत्ति, तीन पाखुड़ा, चारि पुंग केशर, पाँच गर्भ केशर। हाँ बहुत भल, ठीक उत्तर दल, ठीक मन रखिपार, बहुत धन्यवाद। अच्छा द्वितीय दल लीडर कहल ये चित्र गुड़िक जो अच्छी चिन्ह, तार विभिन्न अंश को चिन्ह, एक दुई तीन चार पाँच ये जो अंश लिखाई कौन सी सबू? प्रथम हूँ वृंत, द्वितीय हूँ वृत्ति, तृतीय हूँ पाखुड़ा, आउ चतुर्थटा पुंग केशर, पंचमटा गर्भ केशर। बहुत भल, उभयर उत्तर ठीक अच्छी, धन्यवाद उभय दल को। पाने चित्रर नील रंगर तीरचिह गुड़ी लक्ष्य कर, देख डाण पटे जो तीरचिह अच्छी सेठाला पुंकेशर दंड, तार अग्रे अच्छी पराग पेटिका, गर्भदंड अच्छी, गर्भदंड उपरे गर्भशीर्ष, एवं शेषर अच्छी गर्भाशय, ता भितर डिंबकोश। आम मन प्रश्न उठुव जे एगुड़ाक कहीं रही, एगुटा कार्य कौन? देख पिले जो पराग पेटिका भितर अच्छी पराग, पराग पाकल हेले कौनसी कारणवशत वायु द्वारा हो किंबा प्रजापति मऊमाछी आदि पतंग द्वारा परिवाहित हो, यही पराग जदि गर्भशीर्ष उपर पड़े ताले सेठ गोटे अठाड़िया पदार्थ निर्गत हुए, ताद्वारा गर्भदंड दे गर्भाशय भितर को पराग आसे एवं डिंबकोश सहित मिलन हुए। डिंबकोश सहित मिलन को कहते पराग संगम, संगम माने मिलन। पराग संगमन किसी दिन पर गर्भाशय फुली फल परिणत हुए, एवं यही फलटा भितर डिंबकोश, डिंबकोशटा हो जाए मंजी, फलरू मंजी हुए। आम जानचे मंजूरू गच हुए, तेणु कौन करना फूल द्वारा यहाँ संभव है, तेणु फूल हूँ गचर जनन अंग बा जन्म गच हुए, यूँ फल हुए, फल मंजी, मंजीरु गच्छ जन्म हुए। ये चित्रटी देख मऊमाछी द्वारा पराग रेणु किपर जा गर्भशीर्ष पड़े, या द्वारा पराग संगम हुए, यही है तार चित्र। अच्छा पिला मैंने ये जो चित्र देखु, ये चित्र कौन देखु कहल? खोखार फूल। फास्टा हूँ अंडरिया फूल, सेकेंडटा हूँ माई फूल। हाँ जो अंडरिया फूल देखुच से कौन न था जाच? फल ना, हाँ ना फल ना, से गर्भ केशर न थाए, वो माई फूल कौन न थाए? गर्भ केशर थाए। हाँ गर्भ केशर थाए, पुंग केशर न थाए। पिला मैंने ऊपर बाम डाण दीटा चित्र को देख, ये हूँ का अंडरिया फूल, ए गर्भ केशर न थाए,
ସେଇଭଳି ତଳ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ସେଇ କଲରାର ମାଈ ଫୁଲ ଯେଉଁଥିରେ ପୁଂକେଶର ନଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଫୁଲ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଥିରୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫୁଲର ସଙ୍ଗମ, ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଫଳରେ କଲରା ଫଳ ହୁଏ, ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ଯାହା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ, କଖାରୁ ଏବଂ କଲରା, ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଗଛ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ତାକୁ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ, ମାଈ ଗଛ କହନ୍ତି। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ଫଳ ଫଳିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମାଈ ଗଛ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଫଳ ଫଳିନି, ଲଟା ଭଳି ଫୁଲ ଝୁଲିଛି, ସେଇଟା ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛରେ କେବେ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାଈ ଗଛ ଦେଖୁଛୁ ଫଳ, ସେଇଥିରେ ଫଳ ଫଳ ହୁଏ। ସେହିପରି ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ ଓ ମାଈ ଗଛ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ଗଛ ଅଛି, ଯେପରି ପୋଟଳ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ତାଳ ଗଛ। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ ଅଲଗା ଥାଏ, ମାଈ ଗଛ ଅଲଗା ଥାଏ। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆସ ମନେ ପକାଇବା ଫୁଲ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ କରିଥିଲା, ବା ଫୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ, ଫୁଲର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୁଁ ଫଳ ହୁଏ, ଫଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହୁଏ। ତେଣୁ ଫୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏବଂ ଫୁଲ ଫଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଜନନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଲେଖିନିଅ, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିଲେ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କର, ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ, କ'ଣ ବୁଝି ନପାରିଲ ଲେଖିବ।